नगरी धमतरी वनांचल स्थित आदिवासी विकासखंड नगरी के प्राथमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों की माताओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु अंगनामा शिक्षा 2.0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 मार्च को प्राथमिक शाला कुकरेल में विकासखंड स्तरीय अंगनामा शिक्षा 2.0 कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने अंगनामा शिक्षा 2.0 कार्यक्रम के उद्देश्यों और महत्व को बताया। बीईओ सतीश प्रकाश सिंह ने अंगनामा शिक्षा 2.0 कार्यक्रम से जुड़ी हुई समस्त माताओं द्वारा बच्चों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की भूमिका को सर्वोपरि बताया। में आयोजित किया जा रहा है आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य श्री वैद साहब, मेरे सीएससी साथी श्री सावेन जी, श्री श्रवण जी और मैं, हमारी सम्माननीय जो शिक्षिकाएं हैं और स्मार्ट माता ग्रुप पर चयनी मैडम यहाँ उपस्थित हैं और अन्य संकुल से आई हुई जो हमारी मास्टर ट्रेनर्स साथी हैं उपस्थित हैं। अंगना में शिक्षा कार्यक्रम एक अभिनव पहल है कि कैसे हम घर में अपने पास उपलब्ध संसाधनों से, उपलब्ध सामग्रियों से कैसे बच्चों को नियमित शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अभी आपके द्वारा दिन भर की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ अलग अलग काउंटर के माध्यम से कराई गई हैं, आपने देखा होगा कि कैसे सरल और एक सहज तरीके से घर में उपलब्ध सामग्रियों से हम लोग विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को कर सकते हैं, जिससे बच्चों की निरंतरता शिक्षा के क्षेत्र में बनी रहेगी। बच्चे जो स्कूल में सीख करके जाते हैं उसको माताएं घर में अभ्यास करवा सकती हैं और कैसे शिक्षा में उन माताओं का योगदान प्राप्त किया जा सकता है। मैं आज के अवसर पर जो स्मार्ट माता ग्रुप में चयनित लता को राम मैडम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे लिए तो लता को राम मैडम स्मार्ट माता को चयनित हुई है। यहाँ उपस्थित सारी माताएं स्मार्ट हैं तो मैं सभी जो हमारी स्मार्ट माताएं हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर इस मंच से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अपनी व्यक्त करता हूँ कि हम सब शिक्षा के विकास में, शिक्षा के योगदान में, शिक्षा की उन्नति में अपना सक्रिय सहयोग करें, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं इन बच्चों के द्वारा ही आने वाले समय में समाज और राष्ट्र को गति प्राप्त होगी। तो शासन के द्वारा जो इस महती योजना का शुभारंभ किया गया है अंगनामा शिक्षा, तो उसको नाम के अनुरूप हमको चरितार्थ करना है। मैं सभी सम्माननीय जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं उनसे अपील करूंगा, ऐसा आग्रह करूंगा कि खाली एक दिन का ये प्रशिक्षण कार्यशाला में ही इसको समाप्त नहीं करना है, इसकी निरंतरता आपको बनाए रखनी है। स्कूलों में पठन पाठन के दौरान आपको विभिन्न जो हमारी गतिविधियां होती हैं माताओं को आमंत्रित करिए, एसएमसी की बैठक में आमंत्रित करिए और उस इस